अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे वैसे बात बोले, तुम हमारे साथ चंदेल भवन आ जाओ ना, ये डर तो जाने से रहा। चंदेल भवन आओगी तुम मलम लगाते रहना, हमारा दर्द ठीक होते रहेगा। नहीं। अरे अरे सुनो, और एक छाप तिलक सब छन गयो रे, तो से नैन मिले के पालिया सब को है। ये क्या कर रहे हैं आप भाई, गिर जाती तुम, अचा रहे थे तुमको। साला हमारा साला बबलू। जी हजूर, देखा आपने, हनीमून चल रहा है हजूर इधर। तो तुमको लड़के को ठिकाने लगाने भेजा था, तुम जोड़े लगा फोटो भेज रहे हो। अपने बस में कुछ नहीं है हजूर, चाहे तो आप खुद आकर देख लीजिए। पूरे गांव में क्या रुतबा है आपके लड़के का, क्या चलती है, देखते बनता है हजूर। पूरा गांव उनकी खातिरदारी में ना पागल हुआ पड़ा है। देखिए दूल्हे बाबू, आपके लिए पूरी, समोसे, मिठाई, पकौड़े सब बनाया है। इन सबसे पहले ना संतरा खाओ, यहाँ का संतरा बहुत मीठा है। हाँ हाँ खाइए दामाद जी, खाइए। क्षमा कीजिए हजूर, इस हालत में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे बापू, 5 लाख रुपए देखा तुमने कभी जीवन में? जी हमने पूछा, 5 लाख रुपए देखे तुमने कभी अपने जीवन में? 5 लाख क्या बात करे हजूर, हमने क्या, हमारे बाप दादा ने कभी नहीं देखे। तुम्हारा आदमी आ रहा 5 लाख रुपए लेके तुमको देने के लिए। मुझे मुझे क्यों हजूर, और हमको करना क्या होगा हजूर? जैसे ही वो कुहू गांव में दिखना बंद हुई, तुमको 5 लाख रुपए देखने को मिल जाएगा। चलो काम करो, पैसे कमाओ। आदमी निकल रहा है यहाँ से 5 लाख रुपए लेके तुम्हारे पास। देश हुकुम। अवधेश, देव की चीख, और जिस हिसाब से ये बदहवास भाग रहा है, ऐसा लग रहा है कि देव नारायण चंडेल पे फिर से कोई सनक सवार हुई। अवधेश वैसे तो बहुत शांत है, पहली बार ऐसे उसको भागते हुए देखा। ऐसे भाग रहा जैसे आग लगी हो। आगे लगी है शायद, मानो फिर से देव कोई तबाही के अभियान पे निकल रहा। हुकुम ये सब कैसे? हुकुम हाथ दीजिए हुकुम ये सब। हाथ से निकलता जा रहा है उदेश, पानी सर के ऊपर चला गया है। हुकुम आप चिंता मत कीजिए हुकुम। अरे छोड़ो यार ये मलम पट्टी, हमारे दर्द की दवा तो मुनिया टोला में है। आप आदेश दीजिए हुकुम, हम अभी ले आएंगे उसे। अब वही करना है, तुम रवाना हो तुरंत। मैनेजर गिरी छोड़ो, कमांडो बन जाओ देश तुम। अब का किस्सा खत्म कर दो, खत्म।
हारिस देख रहे हैं। राजीव जीजू दिख नहीं रहे, लगता है भीग गए होंगे पूरा। भीग नहीं, भाग गए होंगे। ये रईस लोग बहुत कोमल होता है। नाच गाना अलग बात है, बातें बनाना अलग बात है। ये मौसम देख रहे हो, भाग गया होगा। सर पे पाँव रखकर वो चले ही गए हो भोलेनाथ। बारिश तो बहुत भयानक है। राजीव बाबू, गांव वाले लोग उनको अकेला छोड़ के चले गए, पूरा भीग रहे हैं, अंधार में ऐसे ही बैठे। मगर भैया छाता 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 छाता। अरे को कहाँ चली को? रुक को। अरे कहाँ चल दी? अरे ये तो अभी यही है, गया नहीं अभी तक। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, कहाँ कहूँ डारी डोली राजी बाबू, कहाँ कहूँ डारी डोली सिरी सवरिया। रह गई बोहरा गई है ये। ये कौन है? दिमाग नहीं सिर्फ दिल है उसके पास। गो रुको भाई, गो गो चल चल आगे, जल्दी जल्दी से तुम बीमार पड़ जाओगी। मैं देखो ना कितना भीग गए हैं, तबीयत खराब हो जाएगा उनका। घर चलो, तुम भी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं नहीं नहीं मैं नहीं मैं राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू। कहाँ लेना हरीश के इतने ठंडव में भी हमको तुम्हारे पायल की खनक सुनाई देती है। हरीश के ठंडव में भी तुम्हारे पायल की खनक पहचान लेता हूँ मैं। अरे दूल्हे बाबू हमारे घर आ जाइए। अरे आ जाओ नहीं तो बीमार हो जाओगे। अरे ये मुनिया टोला का बारिश है, रुकेगा नहीं। अरे कोई बात नहीं भैया, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, ठंड लग जाएगी, सर्दी बुखार हो जाएगा, निमोनिया ही हो जाएगा ना। अरे इससे अच्छे अच्छे चीजों को झेल चुके हैं हम, क्षमता है हम में, कोई बात नहीं। अरे इस पेड़ के नीचे डेरा डालने की कोई जरूरत नहीं है, पंचायत के गेस्ट हाउस में रहिए, पिछली बार ठहरे थे ना आप, यहाँ गांव वालों के सामने क्या ड्रामा कर रहे हैं आप। अरे बाबू जी जब जब पिछली बार आए थे ना तो मेहमान बन के आए थे, इसीलिए गेस्ट रूम में रहे हम। अब की बार जो आए हैं आपके बेटी के पति बन के आए, दामाद दामाद, अब रहेंगे तो आपके घर में, नहीं तो बह जाएंगे बारिश में। क्या बोल रहे हैं आप, कैसे बात कर रहे हैं? चलो अंदर चलो तुम। नहीं भाई, इनको छोड़ के कैसे चले जाए, कितना बारिश हो रहा है, कितना बीमार पड़ जाएंगे भाई। को चल बेटा, नहीं तो चीने मरने की कसम दूंगा मैं। चल रिकू बाबू, चलो 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 राजीव बाबू, राजीव बाबू, राजीव बाबू।
वैसे तो कहती है आपके और हमारे रिश्ते में कोई मतलब नहीं, हमारे रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। अभी थोड़ी थोड़ी भागी आई ना तू? हाँ क्यों आई? चलो चलो माई माई, जाने देना हमको। देखिए ना कितना भीग रहे थे वो, बीमार पड़ जाएंगे। तुम नहीं जाओगे वहाँ, जाने देना हमको। उनके घर में तुम्हारे ऊपर इतना बड़का आंधी तूफान आया था, तब कौन बचाया था तुमको? बड़का बहू को घर का दासी बना दिया, एक इंसान को जानवर की तरह जोत दिया, भूल गई तू वो जो बाहर बैठा है ना, वो भी था ना वहाँ पे? माई हम सच कह रहे, उनका कोई दोष नहीं है। अच्छा ठीक है, अब तुम उसको छोड़ो, जाके कपड़े बदल लो। माई अरे कपड़े पहले चलो कपड़े बदलो, दे तो तुमको बुखार चलेगा। चलो माई नहीं खोलेंगे दरवाजा, नहीं जाने देंगे तुमको उसके पास। आज अगर उसके साथ गई ना, फिर उसी नरक में पहुंच जाओगी तुम, और अब की बार वो जालिम लोग तुमको खत्म कर देंगे। भाई वो ऐसे नहीं है भाई, भाई जाने दे, भाई बीमार पड़ जाएंगे भाई। भीगने दो उसको, थोड़ी देर भीगेगा तो खुद ही उठ के चला जाएगा। और आज हम तुमको पहली बार एक गो कठोर सबक सिखाएंगे, सिर्फ खुद के लिए जियो, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, ना कि हमेशा दूसरों के दुख दर्द के लिए। भाई आज से तुम सिर्फ अपने लिए जियोगे, सिर्फ अपने लिए। भाई भाई मैं आपको कुछ नहीं होने देंगे। दर्पण में बस तेरी ही सरगम गूंजती है धड़कन में, मन सीप जैसा मेरा और वो कोई मोती, मेरे अंधेरों में बनके आएगी वो ज्योति। मैं सावन प्यासा वो घटा के जैसी, मांग तुझको गीत तेरे गाएगे तो से नैना मिलाएगे, तो से नैना मिलाएगे, तो से नैना मिलाएगे, तो से नैना मिलाएगे। अरे रहने दो ना तुम ये सब, क्यों कर रही हो ये, रहने दो ना। काहे? ये सब करके तुम चली जाओगे और उसके बाद हमको तो यही रहना है ना, ये बारिश झेलनी है और ठंड झेलनी है, तो रहने दो। क्यों कर रही हो, छोड़ो। चुप कीजिए।
भगवान, बहुत जिद्दी हैं आप। आपको भी पता है और हमको भी पता है कि हम आपको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। बस हुआ, आपका जीत जीत गया है अपनी बाजी। आज से आप हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। चलिए चलिए, आप चलिए चलिए। हुकुम, हमने आज तक आपके सारे आदेश माने, पर ये हत्या हम कैसे हुकुम? अभी तक क्या खाक समझ पाए हो तुम हमको जी? अरे ये चलाने के लिए नहीं है, डराने के लिए केवल। अब बात को अच्छे से सुनो। मुनिया टोला से एक सड़क जाती है बॉर्डर की तरफ, और उस बॉर्डर पे जवान लड़कियों की तस्करी का धंधा चलता है बरसों से। तो मुनिया टोला में तुमको पप्पू नाम का आदमी मिलेगा, उसे मिलना है तुमको, वो तुमको उन बॉर्डर पे तस्करों से मिलवा देगा। ये 5,00,000 रुपया लखो। काम होने के बाद पप्पू को दे देना। अब तुम्हारा काम है कुहू को ले जाकर उन तस्करों के हवाले करना। उस सौदे के रिश्ते में आई लड़की तस्करों के हाथों ही हमारी जिंदगी से विदा होगी। पता तो चले उस लड़की को कि वो दो कौड़ी की दासी है, ना कि चंदेल खानदान की बड़ी बहू है। अपनी आत्मरक्षा के लिए अगर इसको चलाना पड़े तो झिझकने नहीं, डाक देना, जो होगा देखा जाएगा। हुकुम जी, ये सब मर्द बनो, काम कह रहे हो? 6 गोलियां इसमें, कहीं खतरा महसूस हो तो ठोक देना सामने वाले के सीने में। कानून के नतीजे से हम बचा लेंगे तुमको, कानून के खिलाड़ी है हम। बस एक बात याद रखो, इस 2 कौड़ी की कुहू से चंदेल वंश को तुम्हें ही छुटकारा दिलाना है उदेश। आपको कुछ नहीं होने देंगे, आप घबराइए मत, आपको कुछ नहीं होगा। अब पूरा भार हमारे ऊपर डाल दीजिए। तुमको यहीं छोड़ रखो, थक जाओगी तुम। नहीं नहीं, हम संभाल लेंगे, पूरा पूरा भार डाल दीजिए। चलिए, आपको कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, चलिए चलिए। माई, भाग भी खत्म हो गया। भोलेनाथ, क्या करेंगे हम? यही हो? हाँ, हम इधर ही हैं। तेज, बहुत तेज बुखार है। अरे बाप रे, अरे बाप रे, तो बहुत तेज बुखार है। कुछ भी नहीं। हाँ? बहुत मामूली बुखार है। हम तो चाहते हैं कि कुछ बहुत बड़ा हो जाए, निमोनिया, वायरल, ताकि हम हफ्तों महीनों तुम्हारे साथ वक्त बिता सके। ऐसा कहे बोल, कुछ नहीं होगा आपको। राजीव बाबू, कुछ नहीं होगा आपको। जीवता को क्या हुआ? अरे हजूर रुकिए, मौका सही है, उठा लेते हैं। राजीव बाबू, उठिए उठिए, आप मजाक कर रहे हैं ना, आप मजाक कर रहे हैं ना मेरे साथ? बोलिए ना कुछ, पूरा शरीर एकदम ठंडा हो गया, सुन हो गया, बोलिए ना, सब जान निकल जाएगा, बोलिए ना, आप आपको बोले ना, ऐसे गायब करो उस लड़की को कि जमीन आसमान को भी खबर ना हो। बहुत हो गया ये ड्रामा, अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी के अभी अलग करो दोनों को। मैं इनको
क्या हुआ इनको? बोले भैया बहुत तबीयत बिगड़ गया इनका। अरे सब ड्रामा है। नहीं बाबू बेहोश हो गए देखिए ना। वो सही बोल रही है बाबू, बेहोश है ये। अस्पताल थोड़ा ही ना है ये, इस घर में किस हैसियत से घुसेगा ये? हमारे पति होने की हैसियत से। पति? पति धर्म निभाया इसने? पति धर्म? ये इंसान आग से लाचार है। सौदे का ब्याह था तब भी इस इंसान ने पति धर्म निभाया बाबू। हर पल हमको बचाने के लिए कृष्ण का अवतार लिया है ये। सिर्फ तुम्हारी कुह को बचाने के लिए सारे चंदेल परिवार से लड़ गए। पूरे चंदेल परिवार के खिलाफ चले गए सिर्फ हमारी खातिर। पति धर्म पूछते हैं, बहुत इंसानियत है इनमें, बहुत दया और धर्म है इनमें। लगता है आज आप इंसानियत भूल गए हैं। कम से कम एक लाचार बीमार इंसान का तो मदद कर ही सकते हैं ना? क्यों भी नहीं कर सकते? भाई हम करेंगे कोई मदद तुम्हारी। चलो आराम से। देवदा क्या हुआ बानो? क्या बात है देवदा? ये तो सही, ये देखिए। क्या हुआ? ये क्या हो गया? यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये दीवार ढही तो ढही कैसे? आखिर क्या है ये? संभाल के सर को नहीं पाए, बहुत बड़ा अफसोस होता है। जिस दिन कुह इस घर के दहलीज पार करके घर के अंदर आई थी ना, 3 साल पहले की मनुष्यत खत्म हो गई थी। और जिस दिन कुह इस घर की दहलीज पार करके मुनिया टोला चली गई ना, उसे दिन सारे अपशकुन वापस लौट आए इस घर में। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ जज देव नारायण चंदेल, तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाए। बेटी को बुलाना होगा। को तुम कहां जा रही हो? अरे रुक जाओ। ये दीवार का डह जाना, इन कौओं का मंडराना, हमें तो कोई बुरे संकेत दिखाई देते हैं। अरे बेकार में राय का पहाड़ बना रहे हो तुम। बरसात का मौसम है, आंधी तूफान चला, दीवार गिर गया, उसमें क्या है? अब प्रभादी की तरह तुम भी कुह पुराण गाना मत शुरू करो, अरे शेर बनो यार। ये तो हम बुझ ही नहीं पा रहे, इनके लिए जीने मरने को तैयार है कुह। ये तो हम बुझ ही नहीं पा रहे किनको मुजफ्फरपुर में छोड़ के यहाँ कैसे आ गई। वो ऐसा क्या हुआ था कि अपने कलेजा पे पत्थर धर के वो यहाँ आ गई? तो पहचानती नहीं है अपना कुह को? हम बाप हूं उसका, कितना जलील किया हम उसको, लेकिन उसका चेहरा कभी मलिन नहीं हुआ। जब मुजफ्फरपुर में सारे आम हमको जलील किया, वो लड़की सबके सामने हमको गले लगा ली, सब जिल्लत नफरत सब भूल गई, कुछ याद नहीं रखा उसने। तुमको लगता है को अपना दूल्हा को छोड़ देगी? पता नहीं तुम्हारे भोले बाबा कौन मट्टी से इस कुह को बनाए हैं। भोले बाबा राजी बाबू की रक्षा करना, बस समय पर बैठ जाए।
अरे अरे, ये रोड तो एकदम साफ था, ये पत्थर कहाँ से आ गया? कौन है आप लोग? अरे कौन है आप लोग? तुम्हारा इलाज करने, अब इस गांव को हमेशा के लिए अलविदा कह दो। अबे लेने आए तुझे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम कहाँ जाएं? अब तुम जा रहे हो यहाँ से कहाँ? सैकड़ों मीलों दूर, हमेशा के लिए। हाँ, हम कहीं नहीं जा रहे, हमको बैठ जी के पास जाना है। हमारे पति बहुत बीमार है, उनको बहुत बुखार है, उनको उनको दवा की बहुत जरूरत है। हमको जाने दो भाई, हमको जाने दो, जाने दो। 103 डिग्री, खतरे का निशान पार कर रहे हैं बुखार बाबा। तू हट, अंदर से ठंडा पानी लेके आ, हम करते पट्टी। वो सुराही का पानी है ना, वो लेके आ, जा। सुना रही है, और तुम लोग भी इसका प्रवचन सुन रहे हो। रस्सी लाओ, बांधो इसे। पहली बार शिकार कर रहे हो क्या? काका, हमारा ब्याह आप भी कराए थे ना? हाँ, आपकी बेटी जैसे हैं हम। शर्म नहीं आ रहा है? बेशर्म हो गए हम, बेशर्म कहीं के। कहाँ रह गई? हम बोले थे उसको हम जाते हैं, पर भगवती आ गई है उसके अंदर, आंधी के जैसे निकल गई घर से ये मौसम में। वैद्य जी, हे भोलेनाथ, रक्षा करो। जय भोलेनाथ। भाग के किधर जाएगी? भोले बाबा तुझे बचाएंगे। नैना मिलाई के सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल प्ले ऐप पर।